फिर से मेरी बेटी को टारगेट किया गया है, फिर से उसके नाम को उसके फोटो को लगाकर गाना गाया गया है। मैं उस राजपूत समाज से यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे। खेसारी लाल के बाद पवन सिंह के लाइफ आए और बोले कि इस मैथिली समाज में भोजपुरी समाज में गंदगी ना फैलाए, और लाइफ में क्या बोले पवन सिंह, आप लाइफ सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम के द्वारा। बाकी हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मत करिए आप लोग ऐसा, ये गंद न मचे तो यार बेटर है, क्योंकि हर बेटी हमारी बेटी है, हर माँ हमारी माँ है, हर बहन हमारी बहन है, कोई एक नहीं। अरे वो तो बोला जाता है ना कि जिस कोख से हम पैदा हुए हैं वो तो दुनिया जानता है यार कि मैं उसका बेटा हूँ। नहीं चाहता हूँ यार कि तैस में आके मैं कुछ बोल दूँ। सबके गाना आवे, सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सबके लिए आप सब ही रियल हीरो हैं। पता नहीं क्या क्या चलता है, हम तो इस सब के चक्कर में ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ भी है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, चुप रहूँ तो भी लगता है कि क्यों चुप हूँ, काहे चुप हूँ, केहू के बारे में आके गलत बोलना या गाली दे देना, ये सब क्या चल रहा है अपने इंडस्ट्री में। मत करा जा भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनती भाई यार, नहीं तो हम भी मान लो इंसान ही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बोलेगा किसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का, तो जब हमने के अपनी इंडस्ट्री में बानी जाए और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहां से विकास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिलके एकदम